First of all, we are talking about the nutrition in animal, and there are certain animals which are unicellular. The example of the such animals are amoeba, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas. So we are talking about the amoeba. So amoeba में nutrition किस तरह से होता है आपको screen पर दिखाई दे रहा है. तो screen पर देखिए इसकी body. First of all आपको पता होना चाहिए कि इसकी body जो है asymmetric होती है. It means that it is not symmetry, not in symmetry. इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, हर समय ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है. तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अमीबा की जिगजैग शेप में है. तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स के संपर्क में ये आता है तो ये अपने आप को स्यूडोपोडिया क्रिएट कर लेता है. स्यूडोपोडिया इसके होते ही हैं. तो स्यूडोपोडिया के अंदर इस तरह से वैक्यूल क्रिएट कर लेता है कि उसको फूड वैक्यूल के रूप में काम करने लगती है. तो यहाँ थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो कि कंप्लीटली इसने क्या कर लिया, फेगोसाइटोसिस कर लिया है इसने. फूड जो भी फूड था उसको एक वैक्यूल में बंद कर करके यहाँ पे और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर ले लिया. अंदर लेने के बाद में आगे क्या होगा यहाँ पे, ये तो हो गया इंजेशन की प्रोसेस, इनटेक ऑफ फूड. देखो फाइव स्टेप्स हेयर ऑल्सो, फाइव स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड. फर्स्ट वन इज इंजेशन हैज बीन कंप्लीटेड हेयर. जब फूड इसने ले लिया बॉडी के अंदर तो ये हो गया इंजेशन. इंजेशन के बाद में कौन सी प्रोसेस चलेगी, डाइजेशन की. तो अब ये बॉडी के अंदर अमीबा डाइजेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं. तो उन एंजाइम की से ये डाइजेशन कर रहा है. यहाँ पे डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया तो डाइजेशन के बाद में क्या कर रहा है, डाइजेशन करने के बाद में एब्जॉर्प्शन करता है उसका. एब्जॉर्प्शन के बाद में अब बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जिसका एब्जॉर्प्शन किया है न्यूट्रिएंट्स का उसको अपनी बॉडी के हिसाब से क्रिएट कर लेता है. तो ये हो गया एसिमिलेशन. और एसिमिलेशन के बाद में जैसे इंटेक किया था इसने, ऐसे ही बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को इजेक्ट कर देता है. यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस कहलाती है एजेशन. बॉडी ने उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर, और ये प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, वाटर के अंदर. तो पानी के अंदर से ये फूड को इंटेक करेगा और पानी के अंदर ही ये बॉडी से बाहर निकाल देता है. सो वी कैन से दैट अमीबा इज टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर विच इट लिव्स. जहां पे ये रहता है वहीं पे पानी में अगर ये रहता है तो पानी के अंदर से छोटे छोटे प्लांट, बहुत ही टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स को ये इनगल्फ करता है, इंजेशन करता है, इनटेक करता है, फिर उसका डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, सिमुलेशन करता है, और उसके बाद में ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है. सो वी कैन से That the mode of nutrition in amoeba is holozoic. क्योंकि ये पांचों steps complete हो रही हैं इसमें, तो इसकी amoeba में जो mode of nutrition है वो holozoic type का nutrition है. And the process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. So you have to know that the process, which process is going on, phagocytosis. तो आपको याद रखना है, exam में आ सकता है कि ये कौन सी process, जब ये फूड को इंटेक करता है तो ये इसमें जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कौन सी होती है, फेगोसाइटोसिस. तो आपको याद रखना है. तो तीन चीजें इसमें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल एज ए फूड. सेकंड वन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक. एंड थर्ड वन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है.